यूपी से इन दिनों एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कुछ दिनों पहले मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन व उसके साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वहीं अब उस लुटेरी दुल्हन से जुड़े एक खुलासे को सुन पुलिस बिदंग रह गई है। महिला ने अपने जुर्म कबूलते हुए ये भी बताया है कि वो HIV पॉजिटिव है। वहीं जब महिला ने यह दावा किया तो पुलिस ने उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं पुलिस दुल्हन के साथ संबंध बनाने वाले 5 अन्य दूल्हों की भी तलाश कर रही है। दरअसल मुजफ्फरनगर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा का कहना है कि जेल में बंद लुटेरी दुल्हन ने जेल प्रशासन को अपने HIV संक्रमित होने की जानकारी दी थी। उसके बाद ARTA पोर्टल पर जांच कराई गई तो उसकी बात सही निकली। उसका उपचार अब जिला अस्पताल के HIV सेंटर पर कराया जा रहा है। देखिए, जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उसका इलाज चल रहा है। और जब वो महिला यहाँ पर आई थी उसने कहा, प्रवेश के समय बताया था हमारे डॉक्टर को कि वो संक्रमित है, पूर्व से उसका इलाज चल रहा है। तो जब वो उनका RT सेंटर में वहाँ पर उसका नाम पता कराया गया तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बताया गया कि इसका इलाज चल रहा है। तो जो इलाज इसका पूर्व से चल रहा था वही इलाज इसका कंटिन्यू है और आज वो स्वस्थ है महिला। शादी के दृश्य इलाज चल रहा है। सर, महिला बंदियों से अलग रखा गया है स्पेशली या कुछ साथ? नहीं, साथ में ही रखा गया है। और उसका जैसा हमारे चिकित्सा अधिकारी के अनुसार बताया गया कि ऐसा प्रोटोकॉल है कि अलग नहीं रखा जाता। वही अब समझिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड की रहने वाली एक महिला लड़कों को पहले फंसाती थी, फिर उनसे शादी करके कुछ समय बाद लूटपाट करके फरार हो जाती थी। वहीं पुलिस ने जांच में पाया कि महिला पूरे गिरोह के साथ ही काम करती थी। पुलिस ने बताया कि लुटेरी दुल्हन अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पहले पैसे वालों से संपर्क बढ़ाती थी, फिर उन्हें फंसाती थी। उसके बाद कुआने लड़कों को टारगेट करके उनसे शादी करती थी। पुलिस ने बताया कि महिला इतनी शातिर थी कि वो शादी के बाद कुछ दिन ससुराल में ही रहती थी। ससुराल में सबका दिल जीतने के बाद मौका पाते ही वहां से गहने, नकदी और उसे जो भी कुछ मिलता था वो चुरा कर फरार हो जाती थी। वहीं जब पहले पुलिस ने पूरे गैंग को पकड़ा था तब SP आदित्य बंसल ने पूरे मामले की जानकारी दी थी। आज थाना तेतावी पुलिस द्वारा एक लुटेरी दुल्हन गैंग का एक सफल भांडाफोड़ किया गया है। ये गैंग एक गिरोह की तरह काम करती है जिसमें ये सब अलग अलग सदस्य मिलकर के एक लड़की की शादी जो है अलग अलग दुल्हनों से शादी करवाते हैं। सब गैंग के मेंबर कोई लड़की की माँ बन जाता है, कोई उसकी मौसी बन जाता है, कोई पिता बन जाता है, कोई उसका भाई बन जाता है। ये सब लोग उसकी शादी करवा देते हैं। शादी करवाने के बाद जो शादी में मिलने वाले गहने हैं या ससुराल में जाने के बाद घर में जो भी गहने पैसा विश्वास में लेकर के जो हाथ आए उसको लेकर ये फरार हो जाते हैं। इसी प्रकार की घटना की एक तहरीर थाना तेतावी पर 1 मार्च को प्राप्त हुई थी जिसके बाद थाना तेतावी पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। आज थाना तेतावी पुलिस द्वारा लगातार उसमें जांच कर करके आज उस गैंग को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गैंग से चोरी किए गए सारे आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं और इनके पास से 4 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं जो अलग अलग आइडेंटिटी यूज करके ये अलग अलग लड़कों से शादी करते हैं। इनके मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं जो FSL भेजे जाएंगे, जिनसे और कोई एविडेंस जो है, जो और इन्होंने अन्य शादियां किया हो या अन्य किसी को फंसाया है, उसके भी एविडेंस इस पे मिल पाएंगे। इन अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि ये पहले जो है लूट और बाइक चोरी के मामलों में भी संलिप्त रहे हैं। ये इनके पूछताछ से पता लगा है कि इन्होंने कई जनपदों में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में ऐसी कई फर्जी शादियां की हैं। मुजफ्फरनगर में अभी एक ही मुकदमा जो है प्रकाश में आया है। सर, लोगों टारगेट कैसे करते थे? ये लोगों को जो है मैनुअली टारगेट करते थे, कुछ मीडिएटर बनकर के देखते थे कौन शादी के लिए इच्छुक है, कौन शादी के लिए पैसा देने को तैयार है, तो उस तरीके से लड़कों को अपने जाल में फंसाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।